You will always be at the top. तुम हमेशा ऊपर रहोगे. And never at the bottom. और कभी नीचे नहीं रहोगे. This is God's promise for you from Deuteronomy 28:13. ये व्यवस्था विवरण अध्याय 28 वचन 13 से ये आपके लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञा है. How does this happen? ये कैसे होता है? When does this happen? ये कब होता है? When you obey the commandments of the Lord and walk according to His will, you will always be placed at the top. और जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, उसकी इच्छा के अनुसार चलेंगे, तो हमेशा आप सबसे ऊपर रखे जाएंगे. It happened in my father's life. ये मेरे पिता के जीवन में हुआ है. When he received the Lord as his savior and gave up his evil habits and sin. और जब उन्होंने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया और अपनी बुरी आदतें और पाप को छोड़ दिया. When he was cleansed by the blood of Jesus. जब वो यीशु मसीह के लहू के द्वारा धोए गए. He started studying again. उन्होंने फिर से अध्ययन करना, पढ़ाई करना शुरू किया. He passed his exams. वो अपने एग्जाम्स में पास हुए. Got his degree. उन्होंने अपनी डिग्री पाई. And his relative said, Dinakaran, why don't you try for a job in the bank? और फिर उनके रिश्तेदार ने कहा, दिनाकरन, तुम बैंक में किसी नौकरी के लिए कोशिश क्यों नहीं करते? Write the bank exams. तुम बैंक के एग्जाम्स लिखते जाओ. And God will help you. परमेश्वर तुम्हारी मदद करेंगे. And he faithfully studied. और इन्होंने बड़ी विश्वास योग्यता से अध्ययन किया. And he got success and became a clerk in the state bank. और फिर उन्हें सफलता मिली और वो स्टेट बैंक में क्लर्क की जगह उनको नियुक्त किया गया. And in the bank, his friends would party on a Sunday. और बैंक में उनके जो मित्र थे रविवार के दिन बड़ी पार्टी करते थे. They would gamble, drink and spend their time. वो शराब पीते, जुआ खेलते और अपना समय ऐसे बिताते थे. But on those Sundays, my father would spend his time with God. लेकिन उन रविवार के दिन मेरे पिताजी परमेश्वर के साथ समय बिताते थे. They would laugh at him. और वो उनके मित्र उनका मजाक उड़ाते थे. One day, my father was working at the counter as a cashier. एक दिन मेरे पिताजी काउंटर पर कैशियर के रूप में काम कर रहे थे. A man came to my father's counter and he was doing business. और एक वो व्यक्ति जो थे वो मेरे पिताजी के काउंटर पर आए और कुछ व्यापार की बात करने. After his business was over, और वो कुछ जो पैसे जो कुछ करना चाहते थे काम वो पूरा होने के बाद. I think his name is Mr. Ramachandran. मैं सोचता हूँ कि उनका नाम मिस्टर रामचंद्रन है. He said, Dinakaran, you're so young, you're intelligent, you should become an officer now. और उन्होंने कहा, दिनाकरन, तुम्हारी उम्र अभी कम है, तुम्हें तो अभी ऑफिसर होना चाहिए. And I will help you. मैं तुम्हारी मदद करूंगा. I am running an institute for people to become professionals. और मैं ऐसा इंस्टीट्यूट चलाता हूं ताकि लोगों को व्यवसायिक होने में मदद करूं. I will teach you accountancy. मैं तुम्हें अकाउंटेंसी सिखाऊंगा. कॉमर्स सिखाऊंगा. बैंकिंग इनकम टैक्स सिखाऊंगा. ऑल दैट यू नीड टू राइट द एग्जाम टू बिकम एन ऑफिसर. एक अफसर होने के लिए, एग्जाम लिखने के लिए तुम्हें जो कुछ भी जरूरत पड़ेगी वो सब मैं तुम्हारे लिए मैं मार्गदर्शन करूंगा. And he taught my father in the evening. और शाम के समय वो मेरे पिताजी को सिखाया करते थे. Absolutely free. बिल्कुल मुफ्त में. Grace of God. परमेश्वर का अनुग्रह था. God sent an angel to help him. परमेश्वर ने उनकी मदद करने के लिए स्वर्गदूत को भेजा. When he was faithful in fulfilling the will of God in his work and in seeking God. जब वो अपने काम में विश्वास योग्य थे और परमेश्वर को खोजते थे. Along with that, my mother would help my dad to prepare for the exams. और इसी के साथ साथ मेरी माँ मेरे पिताजी की एग्जाम्स की तैयारी में मदद करती थी. They were just married. उनकी शादी अभी हाल ही में हुई थी. What a blessing to have such a wife. और ऐसी पत्नी होना सच में कितनी बड़ी आशीष की बात है. My mother stood with my dad all her life to fulfill the will of God. मेरी माँ मेरे पिताजी के साथ जीवन भर खड़ी रही ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर सके. God will also give you such a wonderful blessing. परमेश्वर आपको भी ऐसी अद्भुत आशीष देंगे. A wonderful life partner. अद्भुत जीवन साथी देंगे. And then as he rose up as an officer. और फिर जब वो अफसर बने. The higher officials would come to audit the branch or visit the branch. तो जो हायर ऑफिसर थे वो ब्रांच के ऑडिट करने के लिए या उनसे मुलाकात करने के लिए आते थे. And one man did not like my dad because he was following the Lord. एक व्यक्ति को मेरे पिताजी बिल्कुल पसंद नहीं आते थे क्योंकि मेरे पिताजी प्रभु के पीछे चल रहे थे. When the promotion time came. और जब प्रमोशन का समय आया. He recommended the promotion for
all his favorites. और उसने अपने सभी पसंदीदा लोगों के लिए प्रमोशन दे दिया. Though my father was in the list, हालांकि मेरे पिताजी उस लिस्ट में थे, he cut his name. उन्होंने उनका नाम कट कर दिया. And it went to his higher officer. और फिर उनसे भी जो बड़े अफसर थे, ये पत्र उनके पास गया. The chief general manager. चीफ जनरल मैनेजर थे. And he saw that list. उन्होंने वो लिस्ट देखी. And he said, why only DGS Dinakaran's name has been cut? और उन्होंने पूछा कि क्यों DGS Dinakaran का नाम ही कट किया गया है? And he called my father privately. और उन्होंने व्यक्तिगत रूप में मेरे पिताजी को बुलाया. Dinakaran, if I want to promote you, what achievements of yours would you put in your defense? दिनाकरन, अगर मैं आपको प्रमोशन देना चाहूं और ये मुद्दा उठाऊं, तो आप अपने तरफ से इसके लिए कौन सी बातों को रख सकते हैं? And my father went on listing the achievements through his management. और मेरे पिताजी अपने मैनेजमेंट के द्वारा उन्होंने जो कुछ भी उपलब्धि पाई थी वो सब कुछ बताया. Gave him numbers after numbers of increase. बढ़ोतरी के लिए बहुत से उदाहरण बताए. After the chief general manager received it. और जब चीफ जनरल मैनेजर ने इन सारी बातों को सुना, He called the immediate boss of my dad. उन्होंने उस अफसर को बुलाया जो उस समय मेरे पिताजी के ऊपर थे. And he said, और उन्होंने कहा, Did you cut his name? क्या आपने इनका नाम काटा था? He said, yes. तो इन्होंने कहा, हाँ. And the chief general manager said, With your own hand, write his name on top. और उन्होंने चीफ जनरल मैनेजर ने कहा कि अपने ही हाथों से उनका नाम इस सूची में सबसे ऊपर लिखो. My father was promoted. मेरे पिताजी को प्रमोशन मिला. Promotions after promotions came. उसके बाद में कई प्रमोशन मिलते चले गए. He was placed in the central office because his name was bringing thousands and crores of deposits to the bank. उनको वहां पर सेंट्रल ऑफिस में रखा गया क्योंकि उनके नाम के कारण हजारों हजार लोग वहां पर उस बैंक में खाता खोलते थे, पैसा जमा करते. 13 years he was in the head office. और 13 साल तक वो हेड ऑफिस में रहे. And the time came. और फिर समय आया. When the officer who cut his name from the promotion list came to work under my father. जिस अफसर ने मेरे पिताजी का नाम उस लिस्ट में से कट कर दिया था, वो मेरे पिताजी की अधीनता में होकर काम करने के लिए. God placed his son at the top. परमेश्वर ने अपनी संतान को, अपने बेटे को सबसे ऊंचाई पर रखा. You will always be at the top. आप हमेशा सबसे ऊंचाई पर रहेंगे. Never at the bottom. कभी नीचे नहीं रहेंगे. A faithful man. विश्वास योग्य व्यक्ति. Shall not stand before mean men. वो ऐसे कठोर लोगों के सामने खड़ा नहीं रहेगा. But before kings. लेकिन राजाओं के सामने खड़ा रहेगा. Be faithful. विश्वास योग्य बने रहिए. Be faithful in seeking God. Be faithful in your work. परमेश्वर को खोजने में और अपने काम में विश्वास योग्य रहिए. You will be placed by the Lord at the top. तो आपको परमेश्वर जो है वो तो निश्चय सबसे ऊंचे पर रखेगा. Father, पिता, give this grace to thy children. अपनी संतानों को ये अनुग्रह दीजिए. Keep them at the top. प्रभु आप इन्हें ये मौका दीजिए. And encourage them. इन्हें प्रोत्साहित कीजिए. Give them favor. इन्हें कृपा दीजिए. Send angels in their lives to stand with them and lift them up. इनके जीवन में स्वर्गदूत भेज प्रभु कि ये उनके साथ में खड़े रहें और इन्हें ऊंचा उठाएं. In Jesus name. यीशु के नाम में. Amen. Amen. God bless. प्रभु आपको आशीष दे.